आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ हेलो एवरीवन क्वेश्चन इज अ सम ऑफ मनी बिकम्स एट टाइम्स इन 3 इयर्स इफ द रेट इज कंपाउंडेड एनुअली ओके

जो फर्स्ट कंडीशन हमें दे रखी है यानी फर्स्ट केस जो दे रखा है हमें उसमें क्या बोला जा रहा है कि जो सम है हमारा जैसे प्रिंसिपल को हम मान लेते हैं लेट द प्रिंसिपल बी इक्वल्स टू एक्स रूपीज तो हमने प्रिंसिपल को मान लिया एक्स रूपीज तो हमारा अमाउंट जो हो रहा है वो क्या हो रहा है एट एक्स रूपीज हो जा रहा है इन टाइम पीरियड कितने साल में तीन साल में इन टाइम पीरियड ऑफ थ्री इस ठीक है वेयर इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली हमें ये भी बता रखा है इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली तो अगर इंटरेस्ट एनुअली कैलकुलेट होता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्म में तो यहाँ से हमारे पास अमाउंट क्या हो जाता है प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है हमारा यहाँ पे टाइम पीरियड तो देखो यहाँ पर हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा एट एक्स प्रिंसिपल हमारा है एक्स इंटू वन प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट तो अब हमें यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट तो गिवन नहीं है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा आर हो गया डिवाइडेड बाय हंड्रेड टू द इयर्स तो तो यानी कि से इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये जैसे ही डिवीजन में जाएगा x x से कैंसिल तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया तो देखो एट को हम क्या लिख सकते हैं टू टू दार थ्री टू टू सा फोर फोर टू झा एट तो हमने इसको लिख, लिख लिया टू टू दार्ट थ्री इज इक्वल्स टू वन प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय हंड्रेड का क्यूब तो क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया तो ये हो गया इक्वेट हो जाएगा तो ये वन यहाँ माइनस में आ गया टू माइनस वन रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय हंड्रेड तो टू माइनस वन वन होता है तो यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया दैट इज इक्वल्स टू वन इंटू हंड्रेड तो यहाँ से कितना आ जाएगा दैट इज इक्वल्स टू हंड्रेड तो यानी कि यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया दैट इज इक्वल्स टू हंड्रेड रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास आ गया हंड्रेड तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ये हो गया अब दूसरा केस हमें क्या गिवन है तो राइट तो, right? तो यहाँ से हम फाइंड आउट करते हैं तो अमाउंट जो है टाइम्स तो यानी कि प्रिंसिपल अगर हमारा सेम एक्स है और अमाउंट हमारा कितना हो रहा है सिक्सटीन टाइम्स तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा वन प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा हंड्रेड आया डिवाइडेड बाय हंड्रेड टू पावर एन एन हम मान के चल रहे टाइम पीरियड है हमारा 100, ये हमारा ये टाइम्स हो ठीक है तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा सिक्सटीन को हम क्या लिख सकते हैं टू टू झा फोर होता है फोर टू झा एट एट टू झा सिक्सटीन तो यानी इसको हम लिख सकते हैं टू टू दार फोर दैट इज इक्वल्स टू यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास वन प्लस वन तो ये हो गया टू टू तो अब हमारा जो बेस है वो सेम हो गया बेस सेम हो गया यानी को हम इक्वेट कर सकते हैं तो पार्ट को इक्वेट कर लिया तो यहाँ से एन क्या आ गया दैट इज इक्वल्स टू फोर अगर एन फोर आ गया दैट मीन्स टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू फोर ईयर्स सो द रिक्वायर्ड टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू फोर ईयर्स दैट मीन्स कि जो हमारा अमाउंट है वो 16 टाइम्स कितने टाइम पीरियड में होगा फोर इयर्स में होगा दैट मींस ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा हमारा दैट इज ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर ओके थैंक यू क्लास 6 से 12 तक नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नटा या WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर